हाय, मैं हूँ तुषाबा और आप देख रहे हैं फंडो कंटेंट। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, बॉलीवुड में ये 2 साल चल रहे हैं शादियों के साल। बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े सितारे ना ही अपने रिश्तों के बारे में सामने सभी को बता रहे हैं, पर साथ ही साथ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ये 2 साल में शादी भी की है और कईयों की शादी अभी भी बाकी है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, नवंबर 14 और नवंबर 15 को हुई थी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी। बॉलीवुड की ये 2 बड़े सितारों की शादी अभी तक खत्म नहीं हुई है। शादी के बाद के जो रिसेप्शंस और फंक्शंस होते हैं वो अभी भी जारी हैं और अब होने जा रही है एक और बॉलीवुड के बिग कपल की शादी। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और यूएसए के सिंगर निक जोनस। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दोनों ही अपने परिवार के साथ जोधपुर में शादी के गए हैं, पर मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड में शादियों का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होगा। हालांकि हमारा साल 2018 खत्म होने आया है, पर बॉलीवुड में शादियों का सिलसिला जारी रहेगा 2019 में भी। और खबरों की माने तो अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का जो रूमर्ड रोमांस है वो 2019 में शादी के बंधन में बंधने वाला है। पर मैं आपको एक पक्की खबर दे सकती हूँ, बॉलीवुड में एक और शादी अभी भी बाकी है जो है राखी सावंत और दीपक कलाल की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, राखी सावंत और दीपक कलाल दोनों ने ही अपने इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि दोनों ही शादी करेंगे जल्द ही, दिसंबर 31 को। सबसे पहले ये पोस्ट को शेयर किया था दीपक कलाल ने, बताते हुए कि दोनों करने वाले हैं शादी लॉस एंजलिस में। और फिर राखी सावंत ने भी अपनी शादी का इन्विटेशन अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि राखी सावंत अपनी कोई शादी का अनाउंसमेंट कर रही हैं। ऐसा पहले 2 से 3 बार भी हो चुका है और हर बार राखी सावंत को जब लगता था कि उन्होंने अपने लिए मिस्टर राइट ढूंढ ली है, तभी वो अपने वो बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती थी और उनकी शादी आगे नहीं बढ़ पाती थी। पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि दीपक कलाल के साथ जो उनकी शादी होने वाली है वो शायद सच्ची में हो जाए। और राखी सावंत ये भी मानती है कि ये सही वक्त है उनका दीपक कलाल से शादी कर सेटल होने का। राखी सावंत ने ये तक कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सभी शादी कर सेटल हो रहे हैं, तो उन्हें भी शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। अब जब राखी सावंत को पूछा गया कि उन्हें किस तरह से प्रपोज किया दीपक कलाल ने अपनी शादी के लिए, तब राखी सावंत ने ये जवाब दिया कि नेशनल टेलीविजन शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर दीपक कलाल ने उनको प्रपोज किया, पर उन्होंने कुछ टाइम लिया और फिर बाद में हाँ कर दी। राखी सावंत ने ये भी पोस्ट किया कि उनको उनकी सभी फैंस की और बाकी दोस्तों की ब्लेसिंग्स भी चाहिए। आगे एक इंटरव्यू में जब राखी सावंत को ये पूछा गया था कि राखी सावंत अपनी शादी में क्या पहनेगी, तो राखी सावंत ने ये कहा, मैं सभ्यसाची तो नहीं पहनूंगी क्योंकि सभ्यसाची मॉडल से उतरे हुए कपड़े पहनाते हैं और उन्हें फ्रेश पीस चाहिए। राखी सावंत हमेशा से ही अपने मजाकिया और मुंहफट नेचर की वजह से बहुत ही ज्यादा जानी जाती हैं, और हालांकि उनका ये नेचर उन्हें हमेशा से ही कॉन्ट्रोवर्सी में रखता है। और मैं आपको बता दूं, उनके पार्टनर दीपक कलाल भी वैसे ही हैं। दीपक कलाल भी जाने जाते हैं बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए। साथ ही साथ दीपक कलाल कुछ ऐसे वीडियोस भी डालते हैं अपने सोशल मीडिया पर जो उन्हें हमेशा ट्रेंडिंग रखता है। अगर देखा जाए तो दोनों की ही जोड़ी मैच मेड इन हेवन है। दोनों हमेशा ही कॉन्ट्रोवर्सी में रहते हैं और दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा हटके हैं, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आगे राखी सावंत को जब ये भी पूछा गया कि वो किन किन लोगों को अपनी शादी में इनवाइट करने वाली हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, बॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे कि शाहरुख खान, करण जौहर और ऐसे कई एक्टर्स को वो इनवाइट करेंगी अपनी शादी में। राखी सावंत को ये भी पूछा गया कि लॉस एंजलिस में शादी करने का डिसाइड क्यों किया और ये प्लान कभी बना, तब राखी सावंत ने ये कहा कि हाँ, ये अभी ही प्लान बना है और मैं तो चाहती थी कि शादी हो लास वेगस में जहाँ जल्दी से शादी हो जाती है, पर वो यानी कि दीपक कलाल चाहते थे कि लॉस एंजलिस में शादी हो और इसी वजह से मैं भी मान गई। राखी सावंत को आगे ये भी पूछा गया था कि राखी सावंत को दीपक कलाल में ऐसा क्या दिखा जो वो दीपक कलाल से शादी करने के लिए तैयार हो गई। उस पर राखी सावंत ने ये जवाब दिया कि दीपक कलाल उन्हें बहुत ही ज्यादा हंसाते हैं और वो बहुत ज्यादा फनी भी हैं। राखी सावंत को दीपक कलाल के अलावा कोई और हंसा नहीं सकता। राखी ये भी बताती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा तकलीफें उठाई हैं और इसी वजह से वो दीपक कलाल के साथ रहती है तो खुश रहती है। राखी सावंत ने ये भी बताया कि वो दीपक कलाल से शादी कर रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ हंसने के लिए और खुश रहने के लिए। राखी ये भी बताती है कि उन्हें ये नहीं पता कि दीपक कलाल उन्हें क्या देंगे, पर उन्हें ये जरूर पता है
है कि दीपक कलाल उन्हें हमेशा हंसाते रहेंगे और खुश रखेंगे। आगे राखी सावंत को ये भी पूछा गया कि आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं अपनी शादी को लेकर। उस पर राखी सावंत ने ये जवाब दिया कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने हालांकि दीपक को ये भी पूछा कि मैं शादी में क्या पहनूं, तो दीपक अभी मुझे डिजाइनर कपड़ों का वीडियो भेजने वाला है। राखी सावंत ने हमें ये भी बताया कि राखी किस तरह से शादी करने वाली है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, बॉलीवुड में आजकल दो रीति रिवाजों के हिसाब से शादी करने का चलन चला है। जैसे कि आप रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी देख लो, जो एक हुई थी सिंधी स्टाइल में तो दूसरी हुई थी कोंकणी स्टाइल में। इस पर राखी सावंत ने ये बताया कि वो करेंगी तीन स्टाइल में शादी। एक तो होंगी मराठी शादी, दूसरी क्रिश्चियन और तीसरी कश्मीरी। मराठी इसलिए क्योंकि राखी सावंत पैदा हुई थी मराठी फैमिली में, और क्रिश्चियन इसलिए क्योंकि अब राखी फॉलो करती है क्रिश्चियन रिलीजन, और तीसरी कश्मीरी इस वजह से क्योंकि दीपक कलाल है कश्मीरी। तो इसी तरह से राखी सावंत ने ये बताया कि वो तीन स्टाइल में करने वाली है शादी। आगे राखी को ये भी पूछा था कि आपने अचानक से क्यों शादी का प्लान बना दिया, तो राखी सावंत ने ये कहा कि अचानक से मुझे दीपक पसंद आ गए और अचानक से ही मैंने उनसे शादी का फैसला किया। तो इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि बॉलीवुड की शादियों के कपल्स में अब एक और कपल ऐड हो चुके हैं, जो है राखी सावंत और दीपक कलाल। हम सभी उनकी शादी के लिए काफी उत्साहित हैं ये देखने के लिए कि दोनों हमें किस तरह से इनकी शादी में एंटरटेन करते हैं और क्या क्या गुल खिलाते हैं। बॉलीवुड और टीवी की ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।